राजस्थान के बारा मांगरोल तहसील क्षेत्र के बोहत कस्बे में पिछले 5 दिन से रात व दिन के समय विद्युत वितकरण डिस्कॉम मांगरोल द्वारा कई घंटे बिजली कटौती के बुरा हाल है। रोजाना रात में 2 से 3 घंटे से अधिक बिजली कटौती की जा रही है। बिजली कटौती के कारण पंखे, कूलर, शोपीस बने हुए हैं। इसको लेकर भगत सिंह फोर्स के कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीणों ने सोमवार देर शाम बाद भगत सिंह सर्किल पर प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रिंकू कुमार मेहरा, सागर चौधरी, मुकेश पोटर, रोहित चौधरी ने बताया कि रात में 2 से 3 बार ट्रिपिंग से 3 घंटे से अधिक बिजली काटी जाती है। सबसे ज्यादा परेशानी तो तब होती है जब शाम का खाना बनाते समय बिजली काट दी जाती है। ऐसे में मोबाइल की रोशनी या टॉर्च जलाकर घर की महिलाओं को खाना बनाना पड़ता है। रात में बार बार बिजली काटी जाने से तपती गर्मी में पूरी रात मच्छर के हमलों से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव की बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग की है। लोग रात दिन बिजली बंद होने की जानकारी मोबाइल से लेते हैं तो 33 KV GSS पर बिजली बंद होने का कारण तकनीकी सहायक से पूछते तो मांगरोल से लोड शेडिंग पर बिजली कटौती की कहकर दूर हो जाते हैं। पूरी रात में 3-3 घंटे लाइटें करती है। अच्छा, पूरी रात भर चिंता गांव के लोग परेशान रहते हैं। तो फोन करते हैं तो बोलते हैं कि लोड सेटिंग हो रहा है। तो प्रशासन की कोई कार्यवाही, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, मतलब ध्यान दे रहा। रात में रात पर फोन करते हैं, पेड़ पे करते हैं, 12 मांग लगे ऑफिस में, ध्यान देता है। अच्छा अच्छा, देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।